गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंश आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल अंश यादव पे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज उन दो वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो वेबसाइट्स इंडिया के अंदर यूज़ की जाती है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, इन दोनों वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये वेबसाइट्स है क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इन दो वेबसाइट्स के ऊपर मैंने इन्वेस्ट करके देखा है और मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ। आप थोड़ा सोच समझ के आप यदि इन्वेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलो चलते हैं पहली अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी पहली वेबसाइट है ज़ेपपे। दोस्तों, ये हमारी सबसे फर्स्ट वेबसाइट है ज़ेपपे। आपको गूगल में लिखना होगा www.zebpay.com। ठीक है, ये इंडियन वेबसाइट है, लेकिन ये दोस्तों एक वेबसाइट नहीं है, ये एक एंड्रॉयड ऐप है या iOS ऐप है। ये आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। इसके कोई वेबसाइट नहीं है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके आप कर सकते हो। आप एंड्रॉयड के थ्रू मोबाइल में आप ऐप डाल लीजिए, उसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ज़ेपपे के बारे में बता देता हूँ। ज़ेपपे जो है ये सबसे ज़्यादा मार्केट में मानी हुई या डिमांडेड वेबसाइट है, ऐप है, जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके देख यहाँ जाके आप देख लीजिए कितने यूज़र्स है इसके। ठीक है, तो रेटिंग भी ठीक है इस ऐप की, बट इसके अंदर दोस्तों की एक जो सबसे बड़ी कमी है ज़ेपपे में वो है कि इसके अंदर बाई और परचेज का सबसे ज़्यादा गैप होता है। मतलब मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का यदि एक बिटकॉइन है तो सेलिंग होगी 9 की 9.5 की, मतलब 30-30, 40-40, 50 हज़ार रुपये तक का गैप होता है बाई और सेल में। तो थोड़ा सा ज़ेपपे के बारे में सबसे मेन चीज़ ये है, मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोल देते हैं कि ज़ेपपे के थ्रू आप कर लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, मैंने भी किया है, लेकिन ये जो सोच लीजिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा गैप होता है बाई एंड सेल में, तो उस चीज़ को देखते हुए आप थोड़ा सा देखिए। बाकी वो थोड़ा ज़ेपपे के बारे में बताऊंगा, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के आप ज़ेपपे को डाउनलोड कर सकते हैं, इस ज़ेपपे ऐप को अपने मोबाइल के ऊपर। बाकी यहाँ कुछ वीडियो दी हुई है आपको ज़ेपपे के ऊपर, कुछ लोग आपको पता करना चाहे तो आप पता कर सकते हैं, सुन सकते हैं इनको वीडियोस को। व्हाट इज़ बिटकॉइन, यहाँ पे आपको बिटकॉइन के बारे में है। ठीक है, इसमें एक दूसरी चीज़ सबसे अच्छी है कि इसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है बहुत ही फास्ट है ज़ेपपे का। इसमें आप जबकि जब आप अपना KYC कीजिए, KYC करते ही आपका कुछ ही टाइम में आपको ये बता देता है कि आपका KYC इज़ वेरीफाइड। वो वेरीफाइड होते ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है और हेल्पफुल भी है, आपके पास मैसेजेस भी आते हैं, हर चीज़ आती है, पेमेंट भी इजी है। आप 2500 मिनिमम इसके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं ऐप में, उसके बाद आप मिनिमम 1000 से परचेज कर सकते हैं। ये भी एक सबसे अच्छी चीज़ है इस ज़ेपपे के अंदर कि मिनिमम 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई ये नहीं कि आपसे ज़्यादा इन्वेस्ट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें 1000 मिनिमम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ 1000, और जबकि जब आप परचेज कर सकते हैं, कोई डिले नहीं, आप बस अमाउंट डाल लीजिए और परचेज कर लीजिए। सिंपल है ऐप भी, सिंपल टू यूज़ है, कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। आप इसके हेल्पलाइन नंबर है इसका, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट टिकट भी बना सकते हैं, या आप लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए ज़ेपपे के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक अपनी नेक्स्ट सेकेंड वेबसाइट के बारे में, वो है कोइनसिक्योर। दोस्तों, ये अपनी है वेबसाइट कोइनसिक्योर, इसमें आपको गूगल में डालना होगा coinsecure.in। आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो दोस्त नया है इसमें तो उसके लिए साइनअप, आप साइनअप पर क्लिक कीजिए। साइनअप क्लिक करने के बाद आप ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, रेफरल, यदि आप किसी रेफरल आईडी से जाते हैं तो आप इसमें रेफरल आईडी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। बाकी मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
आप वो उस वहाँ से उठा के आप इसमें डाल सकते हैं, उस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक्सेप्ट करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन आपको इसमें लॉगिन करना है आगे वापस। जब लॉगिन करेंगे तो आपको इसमें अपना मेल आईडी, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना इसमें मेल आईडी डालता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इसको डालेंगे तो डालने के बाद आप इसमें नीचे क्लिक कर दीजिएगा इस के ऊपर। यहाँ लॉगिन क्लिक करते ही आपके पास पासवर्ड और आपसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेट मांगेगा, वो यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है कितनी देर तक आप लॉगिन रहना चाहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि आप यदि कुछ ज़्यादा टाइम लॉगिन हो जाते हैं तो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया था। देन यहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर एक ऐप डालनी होगी आपको, ठीक है जी। उस ऐप में जो कोड आएगा वो कोड आपको यहाँ नीचे एंटर करना है। ठीक है, अब जैसे इस पे कहेंगे आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इनवैलिड पिन मतलब टाइम चेंज हो गया, आप विद इन टाइम आपको डालना है, उसके बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा नहीं तो। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए लॉग इन सक्सेसफुली, अभी हम इस पे लॉग हो गए हैं। देखिए आगे हम हमारी साइट ऐसे खुलेगी, और जैसे ही इस खुलेगी, अब देख मैं आपको इसको वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको अपना केवाईसी कीजिए। मेन थिंग है केवाईसी का, आप प्रोफाइल में जाके आप केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, प्रोफाइल कोइन सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने अभी प्रोफाइल इसका मैंने अपना अप्लाई किया हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी तक हुआ नहीं है, तो देखते हैं कब तक होता है। मैंने इसमें अप्लाई तो किया हुआ है, ठीक है, एक बार अप्लाई किया था, बीच में फिर बंद हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कब तक इसका अब ओके कंप्लीट आता है, तो अभी तक तो आया नहीं है। अभी तो देखिए अपडेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, केवाईसी अपलोडेड है, मैंने अपलोड कर दी। ये ज़्यादा नहीं है कुछ भी डिटेल, आपका बैंक अकाउंट, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी डिटेल, वो सब मांगेगा, आप वो डाल दीजिए। उसके बाद बस आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ये केवाईसी के लिए चले जाएगा। डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड आधार कार्ड आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद इसमें अभी इन्वेस्ट कैसे होता है, इन्वेस्ट के लिए तो दोस्तों इस वेबसाइट इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसके लिए एक स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो केवल कोइंस के ऊपर होगी। तो उस टाइम पे मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगा हर चीज़ कि कैसे कैसे इन्वेस्ट होता है इसमें। बाकी अभी फ़िलहाल केवल मैं इस वीडियो में आपको यही दो जो वेबसाइट थी इनके बारे में बताना चाहता था कि अभी तक फ़िलहाल जो सिक्योर है, जो ठीक है, जो चल रही है वो है। और इसमें कोइंसको में एक सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा जो खासियत वो है कि इसमें सेलिंग और परचेजिंग पावर, परचेजिंग गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए बाई है 1018 पे, वो सेल है 10 पे। तो ये चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि बाई और सेलिंग का जो गैप है वो काफ़ी कम है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी बार तो ये 1018 यहाँ पे है तो 170 आ गए हैं, तो यहाँ पे 1018 हो जाता है केवल 170 रुपीज़ का गैप। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कभी 500 का गैप, कभी 1000 का गैप। तो इसलिए ये वेबसाइट थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अच्छी है कि इसमें गैप कम है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा सा इनका लेंदी है। इसमें केवाईसी का प्रोसेस भी काफ़ी टाइम लंबा है, कब तक करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, बताते हैं तो 48 आवर्स है लेकिन काफ़ी टाइम ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके लिए परचेज और सेल का मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी नई वीडियोस को जानने के लिए कि नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा तो उनके बारे में जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।